नमस्कार दोस्तों आपका मेरा चैनल टूट कॉम पर स्वागत है आशा करती हूँ अब तक आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा सो एसेलेशन को पढ़ने से पहले आशा करती हूँ अब तक आपने स्पीड वेलोसिटी पढ़ ली होगी स्केलर वेक्टर क्वांटिटी भी पढ़ ली होगी अगर आपने नहीं देखी है तो आप इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं आपको वीडियोस मिल जाएंगे तो so एसेरेशन होता है जैसे कि हमारा एक इंसान है ये कार में है और ये कार चल रही है लेफ्ट डायरेक्शन में सडनली ये जो इंसान है ब्रेक लगाता है तो आप किसी डायरेक्शन में मूव करेंगे जो कि है आगे की तरफ अगर ये कार चल रही है और आप लेफ्ट में टर्न लेते हैं या राइट right में टर्न लेते हैं तो आप लेफ्ट की तरफ मुड़ेंगे इन दोनों केसेस में एक्सेलरेशन हो रहा है तो so एसिलरेशन होता क्या है एसेलरेशन होता है चेंज इन इन सारे के सारे व्हीकल्स में जब आप बैठते हैं तो उसमें एक्सिलेशन होता है बताइए कैसे

पहले केस में हमारी जो डायरेक्शन है वो स्ट्रेट पाथ है जब ये कार इस रास्ते पे जाएगी तो हमारे डायरेक्शन में मतलब जिस डायरेक्शन में कार जा रही है उसमें कोई बदलाव नहीं है और स्पीड जो है वो हमारी बता रखी है कि कांस्टेंट है जो कि है एटी किलोमीटर पर आवर तो हमारी स्पीड में भी कोई चेंज नहीं है क्योंकि इन दोनों ही चीजों में कोई परिवर्तन नहीं है इसीलिए वेलोसिटी में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा और क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है तो हम कहेंगे कि हमारी जो बॉडी है वो एक्सिलोरेट नहीं कर रही है अब हम दूसरा केस देखते हैं दूसरा केस है सेकेंड केस इस केस में हमारी जो डायरेक्शन है वो बदल रही है नहीं क्योंकि वो सीधी जा रही है हमारी जो फ्लाइट है वो सीधी जा रही है और जो स्पीड है वो भी हमारी बता रखी है थाउजेंड किलोमीटर पर आर तो हमारी स्पीड में भी कोई बदलाव नहीं है वो भी फिक्स है तो इस केस में भी हमारी कोई एसेलेशन नहीं होगा अब हम अगला एग्जांपल देखते हैं पहला केस इसमें हमारी जो बॉल है वो राइट डायरेक्शन में जा रही है और विद टाइम उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो रही है जीरो किलोमीटर पर आवर से ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर तो इसमें हम कहेंगे की हमारी जो स्पीड है मैं पहले एसओडी लिख लेती हूँ तो हमारी जो स्पीड है उसमें हमारी बदलाव हो रही है पर क्या डायरेक्शन में भी बदलाव हो रहा है नहीं डायरेक्शन सेम है वो है इस डायरेक्शन या फिर हमारे राइट right की तरफ तो अगर हमारे किसी भी एक कॉम्पोनेंट इज स्पीड और डायरेक्शन इनमें होता है चेंज या फिर दोनों में होता है तो हम कहते हैं कि एक्सेलेशन हो रहा है तो हाँ पहले केस में एक्सेलेशन हो रहा है दूसरा केस देखते हैं इसमें मानिए कि ये जो हमारी कार है ये बीस किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रही है बीस किलोमीटर पर आवर राइटिंग पे मत जाइएगा अब तक हमें पता चल चुका है कि मेरे पास स्टाइलस नहीं है तो हमारी इसमें स्पीड जो है वो कॉन्स्टेंट है मतलब कि उसमें कोई भी बदलाव नहीं है और डायरेक्शन जो है वो बार बार चेंज हो रही है देखिए इस पॉइंट पे डायरेक्शन यहाँ है इस पॉइंट पे डायरेक्शन यहाँ है, है तो जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही है उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोमेंट है वो चेंज हो रही है तो हमारी डायरेक्शन में चेंज है सिंस हमारी डायरेक्शन में चेंज है तो हमारी वेलोसिटी में बदलाव होगा इसका मतलब एक्सिलरेशन हो रहा है एक्सिलेशन हो रहा है तो क्योंकि में डायरेक्शन होता है इसीलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है अगर आपको स्केलर और और वेक्टर के बारे में जानना है तो आप हमारी और वीडियोस चेक कर सकते हैं अबाउट स्केलर एंड वेक्टर एक्सेलेशन जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फिलोसिटी होता है जैसे भी जैसे ही किसी भी चीज के आगे रेट ऑफ आ जाता है इसका मतलब डिनोमिनेटर में टाइम वो टाइम आ जाएगा और ऑफ के बाद जो भी वैल्यू है वो हमारी न्यूमरेटर में आ जाएगी

या फिर चेंज इन डायरेक्शन या फिर दोनों मतलब कि जैसे कि हमारी एक कार है और अगर वो कार हमारी ऐसे जा रही है तो इसमें हमारी डायरेक्शन फिक्स नहीं है डायरेक्शन चेंज हो रही है और स्पीड भी चेंज होगी क्योंकि यहाँ पे वो ब्रेक लगाएगा यहाँ पे ब्रेक लगाएगा कुछ कुछ यहाँ पे बदलाव आएंगे तो दोनों ही हो रहा है अगर स्पीड बदल रही है तब भी एसेलरेशन है सिर्फ डायरेक्शन बदल रही है तब भी एसेलरेशन है अगर दोनों स्पीड और डायरेक्शन बदल रही है तब भी एसेलरेशन है एसेलरेशन का फॉर्मूला होता है

थैंक यू सो मच स्टे सेफ स्टे कनेक्टेड स्टे हेल्दी अगली वीडियो हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एसेलेशन की बनाएंगे थैंक यू